हेलो जी नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। चलिए प्रॉन बिरयानी बनाते। सब चाव से खाते हैं। आज बिल्कुल वही वाली स्टाइल आपके लिए बना रहा हूँ। ये मेरे घर का स्टाइल है, मेरा स्टाइल है, हमारे घर का स्टाइल है। एक्चुअली बड़ा मज़ेदार बनता है जी, मज़ा आ जाता है प्रॉन बिरयानी जब हम बनाते हैं, चाव से खाते हैं। सबसे पहले मसाला बना लेते हैं क्योंकि ये पकी बिरयानी है, राइट। तो मसाला बना के प्रॉन्स तैयार कर लेते हैं, फिर राइस बॉइल करें। लगभग 3 बड़े चम्मच तेल के, जीरा 1 छोटा चम्मच, तेज पत्ता ये ले लेते हैं, जीरा भून लेते हैं थोड़ी देर। जीरा जैसे ही भुने इसमें डालेंगे प्याज, ये 3 मीडियम साइज के प्याज जो है लगभग चॉप किए, इनको भूनेंगे, ब्राउन करेंगे, कम से कम 8 मिनट तक लग जाएंगे मेरे इस इंडक्शन पे। आपके घर पे हाई फ्लेम गैस पे पकाएंगे तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, ठीक है जी। इसको ब्राउन करना है। चलिए प्याज हल्के से ब्राउन हो गए, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल लेते हैं, लगभग 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। अब 1 मिनट तक और भुनेंगे। अब इसमें टमाटर डाल लेते हैं, 3 बड़े वाले टमाटर ये चॉप करके हमने डाल दिए, भुनाई होगी और साथ ही साथ नमक डलेगा। नमक डलते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है और मैं करता हूँ नमक शमक टेणक टेणक, आहा, स्वाद सहित सब कुछ के अनुसार डालिए नमक। अब इसको भूनेंगे लगभग 5 मिनट तक। अब मसाले डाल लेते हैं, धनिया पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। ये लीजिए डल गया, को कर लेते हैं मिक्स। 1 मिनट तक मसाला डालने का भूनते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब इसको पकाएंगे ताकि पेस्ट जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, थोड़ा सा पेस्टी हो जाए, टमाटर और गल जाए। ये लीजिए पकाएंगे इसको 2 मिनट तक। अब इसमें अदरक के लच्छे डाल लेते हैं, 1 इंच हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें फाड़ के हमने डाल दी है। दही डालेंगे 1 कप, पुदीना के पत्ते काफी सारे, मजा आना चाहिए, धनिया 3 बड़े चम्मच ये भी डाल लिया, नींबू का रस 1/2 डालता हूं मैं। को करेंगे मिक्स, वाह। अब इसमें घी डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच, बरिस्ता ठीक है ये डाल दिया, थोड़ा सा सैफरन इसमें डाल लेते हैं और इंडक्शन बंद। अब इसमें प्रॉन डाल देंगे, छोटे वाले जो प्रॉन्स हैं वो 750 ग्राम प्रॉन लिए हैं और इनको मिक्स कर दिया है। पकाएंगे नहीं, सब कुछ डाला मिक्स कर दिया, वाह क्या वाह। अब इसको अलग रख देंगे और पानी उबालने की तैयारी कर लेते हैं। तो प्रॉन इसलिए नहीं पकाए क्योंकि प्रॉन जल्दी पक जाते हैं और जब मैं राइस ऊपर से डाल के दम लगाऊंगा तब उस पर प्रॉन्स पूरे पक जाएंगे। अभी अगर मैं पूरे प्रॉन्स पकाऊं तो प्रॉन्स एकदम रबड़ जैसे बन जाएंगे, इसीलिए पूरे प्रॉन्स नहीं पकाए। पानी हमने रख दिया है, शाही जीरा इसमें डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच, तेज पत्ता, नमक ये डाल लें 2 बड़े चम्मच। ये जो मात्रा है ना हमेशा सब लोग पूछते हैं, और इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देता हूँ। ये अब इसको उबलने दीजिए। बासमती राइस मैंने भिगो के रखा है। अब ये राइस कितना लिया है, लगभग 400 ग्राम राइस लीजिएगा, ठीक है, और सोक करके रखिए क्योंकि ये जब पक जाएगा तो डबल क्वांटिटी हो जाएगा। तो 800 ग्राम प्रॉन्स लिया आपने, 750 ग्राम और 800 ग्राम राइस एकदम परफेक्ट बैलेंस है और 3 से 4 लोगों के लिए बिरयानी एकदम परफेक्ट है। चलिए पानी अब उबल गया है, राइस डाल लेते हैं।
अब राइस को कितना पकाना है, लगभग 80% ऑलमोस्ट, जिसको कहते हैं ना पके हुए हों तब तक, क्योंकि प्रॉन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी मीट होता या मटन होता या चिकन होता तो वो हाफ डन होना चाहिए ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट डन होना चाहिए, 80% डन। चलिए राइस हमारे बिल्कुल तैयार है, ये देखिए दाने बिल्कुल लंबे और 80% पक चुके हैं। अब ये रही प्रॉन्स की हांडी। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्यों प्रॉन्स पकाए नहीं, आधे से ज्यादा प्रॉन्स जो है यहाँ पे पक गए एक साइड से, राइट। अब इस पे ये राइस डाल लेते हैं। दीजिए अब बिरयानी में जो तय लगाते हैं वो कर देते हैं, तय लगाने का मतलब लेयरिंग करना, ठीक है। पुदीना, धनिया, थोड़ा जिंजर ये डाल लेते हैं, गरम मसाला, इलायची पाउडर, थोड़ा केवड़ा वाटर, ये रोज वाटर, ये बरिस्ता बीच में डाल लेते हैं, थोड़ा सैफरन जिसको हमने पानी में भिगो रखा है, ये लीजिए ये डाल दिया। अब ये राइस ऊपर से डाल लेते हैं, ये लीजिए परफेक्ट। अब फिर से ऊपर से बरिस्ता, पुदीना, गरम मसाला, ये लीजिए ये डाला, थोड़ा इलायची पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, रोज वाटर केवड़ा नहीं डालूंगा, और ये रहा ज़ाफरान, फाइनली घी, ये लीजिए। वाह क्या बात है, सारी चीज़ें